nothing but a greedy. Lie eats nothing but a liar. अर्थात लालच जो है वो दूसरों को कभी परेशान नहीं करता है बल्कि खुद को परेशान करता है. लालच अपने आप को खा जाता है, यानी जिस आदमी को लालच होता है वो उसी को खा जाता है लालच. और झूठ बोलने वाला झूठ जो है उसे खा जाता है. झूठ बोलने वाले को झूठ झूठ बोलने वाले को खा जाता है और लालच लालची को खा जाता है. आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट में बनती है और पहले शब्द का इस्तेमाल होता है. बिफोर, पहले शब्द का इस्तेमाल होता है. इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है. ये मैंने तीन सेंटेंस बनाए हैं, तीन तीन प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. मैंने तीनों में बना करके इसको दिखाया है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से सीख सके और निश्चित रूप से ये आपको बहुत लाभकारी होगा. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, ये वाक्य आपने सुना भी बहुत होगा. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं ये मैं बताऊंगा. सबसे पहले इसके दो भागों को देखें. एक तो पहले से, पहला शब्द ये पहले, इससे आधा वाक्य पहले, आधा वाक्य इसके बाद. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. अब इनको बनाने में किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल होगा, किस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनेगी यह मैं बताता हूं. इसमें सबसे पहले यह देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम पहले, ध्यान दें कौन सा काम पहले हुआ है. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, अर्थात गाड़ी पहले छूटी है और मैं स्टेशन बाद में पहुंचा हूं. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. तो जो कार्य इस सेंटेंस में पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी भी पहले बनेगी और जो कार्य बाद में हुआ है उसकी अंग्रेजी बिफोर के बाद बनेगी. पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. तो सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी बनाएंगे, गाड़ी छूट चुकी थी. द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, इसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में बनेगी और पहले बनेगी. जो कार्य पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगी. पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बनती है वो. और दूसरी जो अंग्रेजी बनेगी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी, जो बिफोर के बाद बनेगी. तो बिफोर से पहले द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी छूट चुकी थी, इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी क्योंकि ये कार्य पहले हुआ है. और जो कार्य बाद में हुआ है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी. और पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है कि कर्ता के सीधे बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसकी अंग्रेजी पहले के बाद बनेगी, बिफोर के बाद बनेगी. द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी छूट चुकी थी. बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस कैसे बनती है. दूसरे सेंटेंस में फिर बताऊंगा कि कैसे बना. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. डॉक्टर के आने से पहले, यानी मरीज पहले ही मर गया डॉक्टर के आने से. तो काम पहले कौन सा हुआ, मरीज पहले मरा. जब मरीज पहले मरा है तो उसकी अंग्रेजी भी पहले बनेगी, अर्थात द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड. ये जो सेंटेंस बनता है, जो पहले बनता है, वो हमेशा ही पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा. और इसका जो नियम है वो ये है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, किसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था.
ये इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। ये तो अफर्मेटिव थे, अब मैं नेगेटिव के बारे में बताता हूं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, नहीं मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। अब देखें, ये सेंटेंस पहले आएगा, यानी पहले के बाद का जो सेंटेंस है वो पहले आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, मरीज मरा नहीं था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद बिफोर का प्रयोग होगा, बिफोर लगेगा बीच में। बिफोर द डॉक्टर केम, अर्थात डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, तो ये पहले बनेगा, मरीज मरा नहीं था। और डॉक्टर वाली जो अंग्रेजी है, डॉक्टर के आने से पहले, ये बाद में बनेगी, बिफोर द डॉक्टर केम। ये इसका नियम है कि जो कार्य पहले होगा उसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगी। और दूसरे की, पहले वाले की बात, यानी बिफोर के बाद की अंग्रेजी जो बनेगी वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। पास्ट इंडेफिनिट का नियम यह है कि कर्ता के सीधे बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मरीज के मरीज मरा नहीं था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। अब ले इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस, इंटेरोगेटिव के कैसे बनेंगे। इंटेरोगेटिव के सेंटेंस जिनको सहायक क्रिया पहले लगा करके हम बनाते हैं, उनमें क्या का प्रयोग पहले होता है। जैसे क्या, जब हिंदी के सेंटेंस में क्या वाक्य के शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी हमेशा जो सहायक क्रिया होती है उससे बनती है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया है यहाँ पर हैड, तो हैड शुरू में आएगा। क्या डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज नहीं मरा था, और नियम वही रहेगा, पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस पहले आएगा, जो कार्य पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी पहले बनेगी और बाद में बनेगी बाद वाले कार्य की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट में। क्या डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज नहीं मरा था, तो देखिए ये हेड पहले आ गया, सहायक क्रिया पहले आ जाएगी। जब वाक्य के प्रारंभ में क्या होगा तो हेड शुरू में लगेगा। हैड द पेशेंट डाइड, हैड द पेशेंट डाइड, क्या मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर के, डॉक्टर के आने से पहले। हैड द पेशेंट डाइड, यहां पर बीच में नॉट आएगा, हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मरीज नहीं मरा था। हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो आपने देखा कि ये जो जो बात, जो कार्य बाद में हुआ उसकी बाद में अंग्रेजी बनेगी, जो कार्य पहले हुआ उसकी पहले अंग्रेजी बनेगी। हैड द पेशेंट नॉट डाइड, क्या डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज नहीं मरा था। हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये क्या से बना हुआ वाक्य है, इंटरोगेटिव वाक्य है। अब इससे अगला वाक्य लेते हैं जिसमें क्या की, हिंदी अगर क्या बीच में आए वाक्य के तो उसकी अंग्रेजी बनेगी। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज क्यों मरा था, यहां क्या नहीं है, क्यों शब्द है, तो वाई शब्द जो है क्यों वाला वो शुरू में आएगा। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें ये सेंटेंस, ये चिन्ह इंटेरोगेशन का जरूर लगेगा। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज क्यों मरा था, क्यों शब्द का इस्तेमाल आ गया, इसलिए वाई का प्रयोग, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वाई का प्रयोग वाक्य के शुरू में ही होगा। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज क्यों मरा था, मरीज क्यों मरा था, इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी। वाई हैड द पेशेंट डाइड, वाई हैड द पेशेंट डाइड, मरीज क्यों मरा था, इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी। वाई हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले। तो आपने ये देखा कुल मिलाकर के
कि जो कार्य पहले होता है इन वाक्यों में उसकी अंग्रेजी भी पहले बनती है। बीच में दोनों सेंटेंसेस के बीच में बिफोर का प्रयोग होता है, बिफोर का अर्थ होता है पहले। तो व्हाई हैज द पेशेंट डाइड बिफोर, देखिए हर सेंटेंस में बिफोर लगा हुआ होगा, बिफोर का अर्थ होता है पहले। व्हाई हैज द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज क्यों मरा था। तो इसमें क्या होता है कि जो बाद में कार्य होता है उसकी पास्ट इनडेफिनिट टेंस में अंग्रेजी बनेगी, अर्थात कर्ता के सीधे बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यदि वाक्यों में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, परेशानी आ रही हो, तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।